नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया के प्रभारी वीडियो शिवजन्म कुमार ने प्रखंड के अहवरकुड़िया पंचायत में ग्रामीणों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की स्वच्छता के प्रति सोच को शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफल बनाना है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में कचरा उठाव के लिए नीले और हरे रंग के डस्टबिन ग्रामीणों को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का कर्तव्य है कि कचरे को निर्धारित डिब्बे में डालकर कचरा उठाव करने वालों को दें तथा अपने घर आंगन को स्वच्छ बनाते हुए आस पड़ोस को भी स्वच्छ बनाएं। गौरतलब है कि प्रभारी वीडियो के साथ साथ पंचायत की मुखिया जानकी देवी भी अपने हाथों से कचरा को उठाते हुए देखी गई तथा स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करते नजर आई। जागरूकता के दौरान वार्ड नंबर 11 दलित बस्ती में प्रभारी वीडियो को दलितों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा। दलितों ने आवास योजना, वृद्धा पेंशन, शौचालय योजना, नल जल योजना सहित विभिन्न विकास योजनाओं से संबंधित अपनी समस्याओं को आक्रोशपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। दलितों का स्पष्ट रूप से कहना था कि आज तक उनको शौचालय नसीब नहीं हुआ है, जबकि मझौलिया प्रखंड ODF घोषित काफी वर्ष पूर्व हो चुका है। अपने टूटे फूटे आवास को दिखाते हुए दलितों ने कहा कि आज भी हम दलित आवास योजना से वंचित हैं, हम लोगों को वृद्धा पेंशन का भी लाभ नहीं मिलता है, इस भीषण गर्मी में नल जल योजना के लाभ से भी वंचित हैं। दलितों के आक्रोश का सामना करते हुए प्रभारी वीडियो ने कहा कि आवास योजना के लिए अनुशंसा कर दिया है, बहुत जल्द पंचायत भवन में एक कैंप लगाकर सभी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। मुखिया जानकी देवी पति समाज सेवी किशुन पंडित ने बताया कि पंचायत विकास के लिए विकास योजनाओं को पूरा किया जा रहा है। आवास योजना, शौचालय योजना, नल जल योजना, वृद्धा पेंशन से वंचित ग्रामीणों की सूची संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है, बहुत जल्द समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस अवसर पर स्वच्छाग्रही अनिल कुमार, वार्ड सदस्य मंजू देवी, अजीज मियाँ, मुश्ताक आलम, दिनेश शाह, विनोद मांझी, हरिंदर मांझी सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। लोहिया स्वच्छ मिशन के तहत बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें ग्रामीणों को स्वच्छ करना है, जिसमें स्वच्छ गांव, सुंदर गांव हम लोग बनाने की पहल कर रहे हैं। और जो जितने भी हमारे ग्राम पंचायत अहवर में स्वच्छा कर्मी बहाल की गई है, खास करके अचानक उनकी जांच के लिए आए हुए हैं कि ये लोग स्वच्छाकर्मी ससमय कचरा का उठाव कर रहे हैं कि नहीं, कितने स्वच्छाकर्मी अनुपस्थित है और कितने अनुपस्थित हैं, जिसमें पाया गया कि बहुत सारे के सारे स्वच्छाकर्मी अपने कार्यों में लगे हुए और कचरा का उठाव भी कर रहे हैं। लेकिन मेन बात यह है कि जो हमारे ग्रामवासी है वे लोग इस बात को पहल करें कि जो स्वच्छाकर्मी बहाल की गई है, तो अभी भी देखने को मिल रहा है कि विभिन्न घर के सामने, घर के बगल में वे लोग कचरे को जमा करके रखे हुए, जिससे बहुत सारे बीमारियां फैल रही है। उस चीज़ को रोकने के लिए जो वहां कचरा वो लोग जमा कर रहे हैं, वे कचरा को वे लोग जो स्वच्छाकर्मी हैं उनको दें और वे लोग वह कचरा को डंपिंग करेंगे, जो WPU है उसमें ले जाकर लोग जमा करेंगे, जिसमें हम लोग उसको जो जैविक खाद है उसको बनाएंगे, जो अन्य जो यूजफुल जो डब्बा डुब्बी है और जो प्लास्टिक है उसको हम लोग अलग करके रिसाइकिल करने का काम करेंगे, जो बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है इसको हम लोग सफल बनाने में हम लोग तत्पर हर समय प्रयास कर रहे हैं कि यह सफल रहे। पंचायत में साफ सुथरा हो रहा बा, कचरा उठा रहा बा, इससे हम लोग को यही फायदा, बहुत सारा फायदा होगा, जैसे कि बीमारी उमारी नहीं होगा, साफ सफाई पर ध्यान देगा लोग तो स्वच्छ रहेगा लोग, सुरक्षित रहेगा लोग। हम लोग सोशल ऑडिट जो कर रहे हैं यहाँ इस पंचायत में और कुड़िया में, तो यहाँ शौचालय का जो जांच हुआ है उसमें शौचालय उपयोग तथा नियमित पाया गया, जो है शौचालय का उपयोग मतलब लोग करें, बाहर ना जाए, कचरा उचरा जो है बाहर ना फेंके, डंपिंग करें,